इसके बहुत तेज है ना आज, है? आज तेज है दिल्ली। अच्छा अभी देखिए, इसके पहले हमने बनाया और 1716 में बन गया। तब से हम इतनी मेहनत की है, वहाँ देखा कि ये बार बार बंद काहे हो रहा है। और जो दो बन गया 16 में, इसमें ये मोबाइल में यही कमी है, इसको मिलाओ तो 2 घंटा पढ़ो चश्मा लगा के, है ना, वो स्लो लिख के आ जाता, हमने ध्यान दिया नहीं। खैर इतनी रोटी बन चुकी है, देखिए इसी तरह रोटी बनती है, तो आँच कम किया है, ठीक है। हाँ उसे हम तो पहले कहा था ना, आँच खूब तेज है तो रोटी जलेगी, तो तवा बाहर कर दो 1 मिनट के लिए, थोड़ा तवा उतार दो, हाँ ऐसे रख दो। हाँ अब रोटी रखो तवे पर, रोटी रख दो तवे पर, नहीं अभी उसको, वही कह रहा था बाबा जी, अरे भैया तवे पर रोटी रखो ना, यही मैं कह रहा हूँ ये। हाँ, उसको देखे रहा हूँ, इसके पहले हमने बनाया और 1716 में बन गया। तो विजय गद्दा वालों, जो लोग रोटी खिला रहे हो बंदरों को, लापरवाही मत करो, काम मन लगा के करो, है ना। जो चीज़ लकड़ी में बन रहा है, लकड़ी में ये रोटी की सेकाई थोड़ी की जाती है, तवे पर ही बना लेती है, ये देखो उलट पुलट करके तवे पर ही बनेगी, ऊपर तवा रखेगी थोड़ा, क्योंकि पतली लकड़ी थी ना, तो इसमें तेज़ी से जल गई लकड़ी, थोड़ी मोटी लकड़ी जहाँ बताए थे ना वहाँ से भी उठा लाना, बहुत मोटी लकड़ी है, इसको थोड़ा आदमी रहेगा उसे चरवा भी देंगे हम, देखो ये मोटी मोटी रोटी ये बनती है, रोटी बनती जाती है, रोटी को ये छोटे छोटे पीस में तोड़ देती है, देखिए अंदर अंदर से पक जाता है, हीट मिल गई पक गया बंदर के लिए, क्योंकि अगर रोटी जल गई जरा भी तो बंदर खाता नहीं, तो उतना काट के फेंकता है, तो कितना नुकसान है, क्योंकि रोटी के लिए बंदर जान देता है, रोटी एक ऐसी चीज है कि इसी के लिए लोग गोली खाते हैं सीमा पर जाके। तो आप ये देख रहे हैं आज 15 नवंबर 2020, हमको लाइव पर आना था दिन में, हमने कहा चलो लोग आराम कर रहे होंगे, अब तू बस धीमी आँच में इसी तरह बनाई गई रोटी, यही रोटी बनाने का तरीका है, 2 किलो आटे की रोटी होती है, ये मोटी मोटी रोटी देख रहे हैं, एक एक रोटी का लोंदा ये काट लेती है अपने आप, रोज़ काम करते करते अभ्यास हो गया, ये एक रोटी का ये आटा है, 1 2 3 4 5 6 उठा दो, हाँ ठीक बस, आप दो गैस पर भी बनवा सकते हो, बस क्योंकि ये चूल्हे में इसकी सिकाई नहीं की जाती है, हाँ आप थोड़ा जला दो, बगल वाली लकड़ी लगा लो मोटी वाली, जौने पर फुकनी रखे हो, जौने में फुकनी रखे हो, हाँ हाँ यह लकड़ी लगा दो, सहारा दे थोड़ा, ठीक। तो आपने रोटी को देखा, अब चलिए हम उस बंदर की ओर चल रहे हैं, कितने महीनों बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, इनके लिए यहाँ पर एक जाली से जाली मंगवा करके एक बड़ा सा इतनी दूर घेरवा देंगे, ताकि इतनी दूर में ही अपना उछल कूद नीचे करे ऊपर करे चले फिरे, वरना इसमें तो बंद बंद और अपाहिज हो जाएगा, ये हर तरह सामान देखिए इनके पास पड़ा होता है, देख रहे हैं, ये देखिए सेब भी पड़ा है, केला भी पड़ा है, रोटी भी पड़ी है, पानी उधर रखा है, ये फोम की गड्डी भी लगी हुई है, ये देखो दलिया रखा गया, उसी पर चढ़ेंगे उतरेंगे बैठेंगे, दिखाई नहीं पड़ता, ये देखिए चना पड़ा, थोड़ी बड़ी जगह हो तो थोड़ा ये चले फिरे, ठीक। अब हम चल रहे हैं, आपको कार्तिक पुष्प दिखाएं, क्योंकि बस 15 दिन और फूल दिखेगा, ये कार्तिक पुष्प नवंबर फ्लावर, साल भर में एक ही बार फूल आता है केवल 1 महीने के लिए, अब थोड़ा बचा खुचा दिसंबर में निकल आवे बात अलग है, लेकिन भयंकर जाड़ा पड़ता है तो फूल देना बंद कर देता है, ठीक। उसको हम चल के आपको दिखा रहे हैं,
ये सिंगापुर वाला कमरक है, ये पका का ये 12 मासी हो गया है अब। ये इसके पहले कितना फल देखा होगा आपने, फिर हरे हरे लगे हैं। अभी छोटे वाले जो हैं ये बताते हैं बसंत में पकेगा, हमको तो लग रहा है अभी से इतने बड़े बड़े हो गए हैं सब। हैं ये देखिए ऐसे सब आते हैं तोड़ तोड़ के खाने वाले खाते हैं। देखिए यह 12 मासी हो गया है हमको लगता है ये। फूल भी आ रहा है। ठीक चलते हैं, हम आपको नवंबर फ्लावर दिखाएंगे। देखिए नवंबर फ्लावर है ना, कार्तिक पुष्प देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। बस ये बहार है यही एक महीने का, 15-20 दिन और चलेगा ये, फिर एक थोड़ा बहुत भले नाम के लिए फूल जाए उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। साल भर इंतजार करो, इनकी कोई सेवा की ज़रूरत नहीं, ये कैसी भी ज़मीन में अखड़ बखड़ लगाना हो लगा दो। देख रहे हैं बिल्कुल वाइट, और नीचे ये टपक जाते हैं अपने आप होंगे तो नीचे ये नीचे गिर भी जाते हैं। ये भी अपनी जोरों पर है, बहुत ऊंचा निकल गया है। अब की बार हम होगा ना तो बरसात में इनकी छटाई भी कर देंगे, कली आने से पहले छटाई कर देंगे ताकि नीचे नीचे वो गुच्छों में भर जाए एकदम, बहुत ऊंचा निकल गया है। ठीक है चले साहब, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।